हाय एवरीवन, वेलकम टू ओरेकल। इस वीडियो में हम लोग WHO की फंडिंग एंड करंट सिनेरियो पे बात करने जा रहे हैं। आखिर क्यों US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने WHO की फंडिंग को स्टॉप करने की बात कही है, इस पर वर्ल्ड रिएक्शन क्या है, और अगर फंडिंग बंद होती है तो WHO एंड COVID-19 पैंडेमिक पे इस पर असर क्या होगा, एंड मच मोर टू डिस्कस। सो लेट्स बिगिन। For the PDF of this video, join our Telegram channel. The link for it is mentioned below in the description box. ये आर्टिकल ABC News से। According to this, Trump says US will stop funding WHO because it has not done enough to stop coronavirus. इस टॉपिक पर बात करने से पहले आइए WHO के बारे में जानते हैं। WHO stands for World Health Organization. WHO एक UN specialized agency है जो internationally health related issue को देखती है। इसका formation 7 April 1948, approximately 72 years ago हुआ था, जिसे हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। WHO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। इसे 6 सेमी ऑटोनॉमस रीजनल ऑफिसेस में डिवाइड किया गया है, एंड वर्ल्ड वाइड टोटल इसके 150 फील्ड ऑफिसेस हैं। अगर WHO के हेड्स की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनॉम फ्रॉम इथियोपिया, और ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि इसकी डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं सौम्या स्वामीनाथन। WHO के फंक्शन की बात करें तो ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर देता है। प्रेजेंटली WHO में 194 मेंबर स्टेट्स हैं। इन मेंबर स्टेट में अगर कोई भी हेल्थ केयर रिलेटेड इशू होता है तो WHO उसकी हेल्प करता है। सेकेंडली, इट प्रिवेंट्स कॉम्युनिकेबल डिसीजेस, जैसे अफ्रीका का इबोला वायरस और करेंटली पैंडेमिक COVID-19। ऐसे केसेस में WHO अपनी गाइडलाइन देकर उस पर्टिकुलर कंट्री में बीमारी फैलने से रोकता है। WHO हेल्थ रिलेटेड रिसर्च भी करता है ताकि हमें ये पता चले कि कौन सी कंट्री हेल्थ फील्ड में कितना अच्छा कर रही है। WHO के रीजन्स की बात करें तो इफेक्टिव वर्किंग के लिए WHO ने अपने पूरे रीजन को 6 WHO रीजन्स में डिवाइड किया है। ये हैं WHO अफ्रीकन रीजन, WHO रीजन फॉर द अमेरिकास, WHO ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन, WHO यूरोपियन रीजन, WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन, WHO वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। बात करें हमारी कंट्री की तो हमारी कंट्री साउथ ईस्ट एशिया रीजन में आती है। इस मैप के आप लोग पता कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री WHO के किस रीजन में आती है। WHO की फंड की बात करें तो इसके वर्किंग के लिए आखिरकार फंड्स आते कहां से हैं? जैसा कि हम जानते हैं, इसमें 194 मेंबर स्टेट्स हैं जो कि फंडिंग के जरिए WHO को फाइनेंशियली हेल्प करती है, और फंडिंग की कई तरीके से होती है, जैसे कि पहला वॉलेंट्री डोनेशन फ्रॉम मेंबर स्टेट्स। वॉलेंट्री डोनेशन मींस ऐसे कंट्रीज जो अपनी मर्जी से डोनेशन करते हैं, जिस कंट्री की जितनी मर्जी होती है वो उतना डोनेट करते हैं। दूसरा एसेस्ड कंट्रीब्यूशन, ये एक एनुअली मेंबरशिप चार्ज की जैसे होता है। 1980 में एक सहमति के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि कौन सी कंट्री एसेस कंट्रीब्यूशन के तहत कितना डोनेट करेगी, और तब से ये फॉलो किया जा रहा है। यही कारण है कि आज चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमिक होने के बावजूद अमेरिका के कंपैरिजन 10 टाइम्स कम डोनेट करती है। एसेस कंट्रीब्यूशन कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर कोई कंट्री चाहे तो इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं भी कर सकती है, पर आज तक ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूट करके कंट्रीज अपना गुडविल जेस्चर प्रेजेंट करती हैं। तीसरा फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी के लिए इसमें डोनेट करते हैं, जैसे कि बिल एंड मेलिंडा
गेट फाउंडेशन। और चौथा यूएन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो फंडिंग मिलती है। और पांचवी अदर सोर्सेस होती हैं। ये डाटा 2016-17 की है जो हम लोगों ने WHO के फाइनेंशियल रिपोर्ट से ली है। इसमें हम देख सकते हैं कि 51% फंड्स जो आते हैं वो मेंबर स्टेट से आते हैं, 17% फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन से, 15% यूएन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, 7% अदर पार्टनरशिप से और लेस देन 1% एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से। ये फंड्स की परसेंटेज हर ईयर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती हैं। ये रिपोर्ट 31 मार्च 2020 की है जिसमें कि एसेस्ड कंट्रीब्यूशन का डाटा है। एसेस्ड कंट्रीब्यूशन यानी वो कंट्रीब्यूशन जो एनुअल मेंबरशिप के जैसे कंट्रीज WHO को देती हैं। इसमें US का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, $57.9 मिलियन। सेकेंड नंबर पे है चाइना, $28.7 मिलियन। और अगर टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो इसमें जापान, जर्मनी, UK, फ्रांस, इटली और ब्राजील भी शामिल हैं। ध्यान दें, ये सिर्फ एसेस कंट्रीब्यूशन की बात है। US वॉलेंट्री डोनेशन के रूप में WHO को काफी फंडिंग प्रोवाइड करता है। US टोटल $400 मिलियन WHO को देता है पर ईयर, जो कि टोटल 50% है WHO के टोटल फंडिंग का और 31% है मेंबर स्टेट के डोनेशन का। USA का कंट्रीब्यूशन चाइना की टोटल कंट्रीब्यूशन का 10 टाइम्स होता है। अब बात करते हैं WHO इस फंड को यूज कैसे करता है। WHO की एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है जिसे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहते हैं। ये असेंबली एक एनुअल प्रोग्राम ऑफ वर्क पास करती है जिसमें ये डिसाइड होता है कि इस पर्टिकुलर ईयर के फंड्स कहाँ और कैसे यूज होंगे। ये जो मीटिंग होती है उसमें मेंबर स्टेट के सारे डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। कौन सी कंट्री को कितना फंड एलोकेट करना होगा ये उस कंट्री के करंट सिनेरियो पर डिपेंड करता है। जैसा कि इस लाइन में हम लोग देख सकते हैं, अमेरिका जो कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है उस पर ओनली 1.2% ही खर्च होता है। वहीं सबसे ज्यादा खर्च अफ्रीकन कंट्रीज पे होता है क्योंकि आज भी वहां की हेल्थ सिस्टम काफी पुअर है। दूसरा सबसे बड़ा खर्चा फिर ईस्टर्न मेडिटेरियन में होता है जो कि 27.3% है। बात करें 2016-17 के फाइनेंशियल रिपोर्ट की तो WHO ने टोटल $165 मिलियन स्पेंड किए हैं जिसमें से कम्युनिकेबल डिजीजेस पर 25.13%, पोलियो एंड आउटब्रेक पर 9.43%, हेल्थ सिस्टम पर 43.83%, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पर 34.15% और इमरजेंसी हेल्थ प्रोग्राम पर 27.5% खर्च किए। ये डाटा हर साल चेंज होते रहते हैं। अब बात करते हैं करंट सिनेरियो की, आखिर क्यों US ने WHO की फंडिंग रोकने की बात कही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज पूरी दुनिया COVID-19 पैंडेमिक से लड़ रही है और इसे सबसे पहले चाइना अफेक्ट हुआ था। जनवरी 2020 में WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने ये स्टेटमेंट दी थी, वी अप्रिशिएट द सीरियसनेस विथ विच चाइना इज टेकिंग दिस आउटब्रेक, स्पेशली दिस कमिटमेंट फ्रॉम द टॉप लीडरशिप एंड द ट्रांसपेरेंसी दे हैव डेमोंस्ट्रेटेड। अब बात करते हैं आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने फंड रोकने की इतनी बड़ी बात कही है। USA में नवंबर 2020 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है जिसके चलते US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप काफी प्रेशर में है और कोरोना वायरस के आउटब्रेक से पहले ही ट्रंप ने रिक्वेस्ट की थी कि US को WHO के फंड को डिडक्ट करना चाहिए। क्या US का फंड WHO के लिए इतना इम्पोर्टेंट है? हाँ, ऐसे कहा जा सकता है क्योंकि
ईयर 2018-19 में यूएस का कंट्रीब्यूशन डब्ल्यूएचओ में ऑलमोस्ट 15% रहा था। अगर यूएस अपना फंड काटता है तो इसका असर क्या होगा? अगर यूएस अपना फंड काटता है तो इसका असर ये भी हो सकता है कि डब्ल्यूएचओ एक पैंडेमिक के बीच में बैंकरप्ट हो जाए। पर ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि जब से यूएस ने फंडिंग खत्म करने की बात कही है, बहुत से अदर कंट्रीज और फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट के लिए आगे आई हैं। इसके साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ को अपने स्टाफ को भी कम करना पड़ सकता है टू हेल्प लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ को वेरियस रिसर्चेस सच एज वैक्सीन रिसर्चेस में भी कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन की बात करें तो रिसेंटली इसने टोटल 9.76% कंट्रीब्यूट किया है। साथ ही साथ गैवी अलायंसेस जो कि एक जेनेवा बेस्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन के साथ उसने 8.39% कंट्रीब्यूट किया है। अब जानते हैं यूएस प्रेसिडेंट के फंड रोकने पर वर्ल्ड रिएक्शन क्या रहा है। अकॉर्डिंग टू रशियन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, यूएस का इस पैंडेमिक के दौरान फंड रोकना जब पूरे वर्ल्ड को डब्ल्यूएचओ की मदद की जरूरत है, ये एक बहुत ही सेल्फिश अप्रोच है। न्यूजीलैंड ने यूएस पर कमेंट करने से बचते हुए बोला है कि ऐसे समय में डब्ल्यूएचओ की एडवाइस और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए काफी मदद चाहिए। दैट्स व्हाई न्यूजीलैंड विल कीप सपोर्टिंग इट। बात करें इंडिया के रिएक्शन की तो इंडिया ने बहुत ही सेफली बस इतना कहा है कि एट दिस टाइम वी शुड रिमेन फोकस ऑन COVID-19। रिसेंटली 23 अप्रैल 2020 को यूएस के फंड रोकने के रिस्पांस पर अपना गुडविल जेस्चर शो करते हुए चाइना ने $30 मिलियन एडिशनल डोनेट किया है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। पर फिर भी ये यूएस की तरफ से रोके गए फंड की कमी को ओवरकम करने के लिए काफी नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट WHO एंड द करंट सिनेरियो। थैंक यू, बी सेफ एंड कीप फॉलोइंग गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरीवन।